अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ अरवी का सालन। तो जिसके लिए मैंने लिया हुआ है 150 ग्राम कर्ड। कर्ड में कुछ मसाले हमने ऐड करने हैं और उसे अच्छे से फोक से बीट करके एक पेस्ट बनाना है। तो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, और इसी तरह लिया है गरम मसाला पाउडर एंड 1.5 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। तो ये सारी ही चीजें हमने कर्ड में मिक्स कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कर्ड हमारा रेडी है। अभी हमें इसे साइड में रख देना है। अभी लिया है एक प्रेशर कुकर, उसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही में एक छोटा सा अनियन स्लाइसली कट करके ऐड कर दिया था। अब हमने अनियन के हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। तो देखिए दोस्तों, अनियन इज डन। तो अभी ऐड किया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैंने इसमें ऐड किया है 300 ग्राम मीट। तो देखिए, मीट हो, नॉनवेज जो भी हो, गरम मसाले हैं, सब्जियां हैं, इन्हें बहुत अच्छे से वॉश किया करें, इवन गरम मसालों को भी। अब हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। जिंजर गार्लिक के साथ हमारा गोश्त अच्छे से भून गया है। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है, साथ ही में ऐड कर दिया है सॉल्ट भी। और अब मैंने इस पे लगानी है विसल और इसमें 2 विसल लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, 2 विसल्स के बाद कुकर को खोल दिया है और मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है, ठीक है ना। अभी ली थी 1/2 किलो अरवियां, जिन्हें अच्छे से धो के छील लिया था, बीच में एक 1/2 कट का साइन लगा दिया है। और साथ ही में ली हुई है 2 हरी मिर्ची। इस तरह के खानों में ये पकी हुई हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। मैंने 300 ग्राम मीट में 1/2 किलो अरवी यूज की है। आप चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, मेरे घर में ज्यादा खाई जाती हैं। तो अब हमने इसको ऐड कर देना है कुकर में। देखिए दोस्तों, अरबियां बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसमें ऐड करना है वाटर। तो जिस हिसाब से आपके घर में खाया जाता हो शोरबा, आप उसके अकॉर्डिंग करिए। देखिए फ्रेंड्स, वाटर इज एडेड। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है 3 to 4 विसल्स, जिससे कि गोश्त एंड अरवी जो है दोनों ही अच्छे से गल जाए। देखिए फ्रेंड्स, 3 विसल लेने के बाद मैंने प्रेशर रिलीज होने के बाद लिट हटा दी है और ये दोनों ही चीजें गल गई हैं। अरवियां जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, ऐसी ही अच्छी लगती हैं। अब ली है कुछ पुदीने की पत्तियां, तो ये ऐड करके हमने सिर्फ 1 मिनट पकाना है ढककर। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार सा हल्का फुल्का अरवी का सालन बनके तैयार है। खाते वक्त ऐड कीजिएगा लेमन जूस। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।